देखिए, विपक्ष तो ये चाहता है कि भारत जले, विपक्ष ये चाहता है कि भारत में तबाही आए, विपक्ष ये चाहता है कि भारत में अराजकता फैले, एनार्की फैले, और विपक्ष ये भी चाहता है कि ये सनातन हिंदुत्व, हिंदू, ये सब कमजोर हो जाए, खंड खंड हो जाए, विभाजित हो जाए। क्यों? विपक्ष को लगता है कि जब तक सनातन को विभाजित नहीं किया जाएगा, जब तक हिंदुत्व को खंड खंड नहीं किया जाएगा, तब तक मोदी को हराना नामुमकिन है। तो नरेंद्र मोदी को हराने के लिए हिंदुत्व को स्प्लिट करना, हिंदुत्व को डिवाइड करना, ये जरूरी है। ये विपक्ष करना चाहता है, और उसकी बातों से, उनके बयानों से लगता भी है। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो जुल्म हो रहा, जो अत्याचार हो रहा, पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया की मानवता करा रही है, लेकिन विपक्ष के कान पे जो नहीं रेंग रही। इसमें भी राजनीति, इसमें भी सियासत देख रहा है। नरेंद्र मोदी ना होते तो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर ना बनता, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना होते तो श्री कल्कि धाम का शिलान्यास ना होता, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना होते तो धारा 370 नहीं हटती, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो बांग्लादेश में एक भी हिंदू सलामत नहीं रहता।